पता नहीं काम वो चमकीला करा कर आए। देखो फाइनली अपने संगीत का आउटफिट मिल चुका है। हमारा सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट शुरू होता है मालदा के आम से। हाँ ये आम मैं मालदा से लेके आई थी, तो हम लोग दोनों एक एक आम खाते हुए बाहर निकले। देख रहे हो तुम अच्छे ही देख रहे दिख रहे हो। यहाँ पे मैं पोतिंग चालू पल पट्टी अरे देखना घुस नहीं रही यहाँ क्योंकि ये मेरा है, खराब मत करो। Hey guys, what's up? It's me Candy, you're back Karen. Welcome back to another vlog. और हम लोग रेडी हो चुके हैं और फिर भी एक बज गया। एक्चुअली मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, वो है मैं मेन चैनल पर वीडियो का थोड़ा सा एडिट वगैरह कर रही थी, करके मेरे को हो गया लेट। लेकिन फाइनली अभी निकल रहे हैं और एकदम डायरेक्ट जाएंगे चांदनी। और आज हमारे साथ दो इंसान मिलने वाले हैं, वो है एक तो साइको, जो लोग भी आज हमारे साथ दो लोग मिलने वाले हैं। एक तो है साइको, अगर आप लोग मेरा लाइव स्ट्रीम देखते हो तो पता होगा साइको मेरे साथ टीममेट है। और दूसरा मिलने वाले है घोष। घोष भी मेरा गेम फ्रेंड ही है और हम लोग पहले भी मिले हैं, और आई थिंक ये सेकंड टाइम होगा मैं उसके साथ मिलूंगी। लेकिन मोनिश के साथ पहली बार मिलने वाला है साइको। साइको इज वेरी एक्साइटेड। तो आज हम रिसेप्शन का ड्रेस, संगीत का ड्रेस एंड लोगों से भी मिलेंगे, तो बहुत सारा स्केड्यूल है आज पूरा दिन का। तो स्टे ट्यून्ड और मिलता है चांदनी चौक पर। कभी कोई जगह पे हम लोग टाइम पे पहुंच जाए तो ज़िंदगी सुधर जाए। तो फिर से लेट हो गए, लेकिन टोटो में बैठ के हम लोग उतरे न्यू दिल्ली स्टेशन। वहाँ से दूसरा एक टोटो पकड़े और गए पूरा का पूरा चांदनी चौक। तो चांदनी चौक मार्केट जो है ना, वो एग्जैक्ट लाल किला के ऑपोजिट में है और ये रहा उसका मेन एंट्रेंस। और एंट्रेंस के सामने इतना ज्यादा टोटो है कि हमें एकदम टोटो के बीच में से घुसना पड़ा। आफ्टर अ ईयर कितना अच्छा लग रहा है। हियर इज घोष फाइनली अगेन। ओ साइको मिल गया था। आय हाय हाय आय हाय हाय, मतलब पूरा नहीं पूरा वो पहाड़ी, पूरा पहाड़ी दिखता है रे। फिर हम लोग आए साथ में मैकडॉनल्ड की। दिन का शुरुआत करना था तो कुछ ज्यादा खा ले, तो चारों मिलके फिर से मैकडॉनल्ड गए और वहाँ पे हम लोगों ने पूरा वेज मील ऑर्डर किया। मैं कालू हो गया। मैं भी कालू हो गया। मेरे को थोड़ा ना ब्राइटनेस बढ़ा देना। ठीक है रेडी। देखो बोले हो गए हम लोग। खाने के बाद हम लोग फिर से निकले, अब जा रहे हैं असली काम करने, पराठे वाली गली। क्या है पता नहीं कौन सा एक दुकान में चला गया था। आगे है, आगे ना पूरी पराठे कहाँ बोला शायद आगे है। आगे है ना चौक है ना आगे अंदर को कटे शायद से। हाँ वो आगे ठीक है। तू क्या बोल रहा है? यहाँ थोड़ा आगे है, पीछे है वो। उसके अंदर लहंगे वाली गली है। लहंगे वाली गली तो ये है, वहाँ पर खाली खाली की शॉप है। अरे उसके अंदर से जाना होता है ना। कौन सी शॉप जाने नाम है? नाम नहीं पता, बस उस गली में जाना है। वो गली कौन सी? अरे आओ तुम मेरे साथ आओ, एक बता। नहीं आना मेरे को उधर जाना। एंड आई वॉज सो एंग्री, सो फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मुझे पता है मैं लास्ट ईयर ही आके गई हूँ और ये लोग मेरे को यकीन ही नहीं कर रहा था कि मेरे को पता है। तो फाइनली मुझे वो गली मिल गया और मेरे को थोड़ा सुकून लगा कि चलो आई एम राइट। चलो यहाँ पे मेरा नहीं मिलने वाला है, लेकिन लोग बतुमोरी बहन बहन का मिल जाएगा। येलो कलर है भाई, फोटो में समझ नहीं आ रहा। पम्मी लो तुझे कितना बड़ा ले रहा है कहाँ घर पे हो के ये ना जिंजर वाले अच्छा लग रहा है मम्मी पे। तो कितने बजे बढ़िया लगेगा की वॉइस देखो
कहाँ पबजी से पति, पबजी से दोस्त और पबजी से फिर ये लोग लहंगा खरीदने आए शादी के। लोग पूछेगा कि साइको कहाँ से मुंह चमका के आया है आज, इतना ये सब लग गया है, मुंह चमकाने आया है लहंगा के दुकान। लास्ट ईयर यहाँ से 12-13 लहंगा उठाए थे, इस बार 2 ही उठाए। अभी तक मेरे लिए कुछ नहीं लिया, मम्मी और रितु का हो गया, अभी अपने लिए देखते हैं। क्या है, तारों का जाल भाई, जिंदगी भी ऐसी है। हम लोग खुद एक दुकान ढूंढ रहे थे जो कि मैं लास्ट ईयर शॉपिंग किया था, और बहुत ढूंढते ढूंढते फाइनली वो दुकान हमें मिला। और यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डिजाइनिंग चीजें मिलता है। ठीक है, मेरे को एक चीज, मेरे को ना ग्रीन, मेरे को ना ऑन करना था मेरा सर्वर घूमता। पर इस बार मेरी उम्मीदों पे फिर गई है पानी, और ये इस दुकान में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं मिल लगा, कोई भी एक चीज़ मेरे पसंद का मेरे को नहीं मिला जैसा मुझे चाहिए था। तो हम लोग बाजू वाले दुकान में गए। चल रहा है, देखा, पता नहीं काम हो चमकीला करा कर आए हैं, देख रहे हो इसको घर पे क्या जवाब देगा। देखो 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 चेहरे, देखो चेहरे पे भी चमक है। देखो फाइनली अपने संगीत का आउटफिट मिल चुका है। ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना शो यू गाइस क्योंकि वो तो राज खुल जाएगी ना, बट इट्स परफेक्ट। ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा करके शॉपिंग हो रही है, और इस बार मेरे को इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे पास कोई बैग्स नहीं है, बाकी हमारे दोस्त लोग सब बैग्स पकड़ रहे हैं। दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इतना बैग के साथ ना अच्छे से ब्लॉग कर पा रही थी ना कुछ पकड़ पा रही थी। रास्ते में चलते चलते एक शेरवानी का दुकान मिला, और एग्जैक्ट मेरे जैसा ऑलमोस्ट लाइक 90% सेम शेरवानी मिल गया संगीत के लिए मोनिश का, तो हम लोग वो भी ले लिए। देखो ये जादूगर बना हुआ है, शेरवानी ना, हाँ। नीचे से कबूतर बाहर आएंगे। कबूतर देख के लोग भागना जाए। कबूतर बारातियों का नहीं, बारातियों का स्वागत कबूतर से होगी। अभी हम लोग आए हैं घोष के फेवरेट दुकान में। ये दुकान काफी ज्यादा बड़ा था, कलेक्शन भी अच्छा था, पर जैसा साड़ी मैं ढूंढ रही थी वैसा मिल नहीं रहा था। हाँ, मैं रिसेप्शन में साड़ी पहनना चाहती हूँ, लेकिन 2 साड़ी मुझे ओके ओके लगा था, सोचे कि चलो इसमें से कुछ ले लेंगे। बट फिर मैं गई कोई और दुकान में, और इस दुकान ने मेरा तो भाई, मेरा क्या, मोनिश का जेब काट दिया। साड़ी पसंद आई थी पता नहीं, वो ऑप्शन पे रखे, अभी एक दूसरे दुकान पे आए हैं, वहाँ पे देखते हैं, मुझे गोल्डन में चाहिए, अगर मिल गया तो अच्छा। ले लो सामान, ले लो। साड़ी सिर्फ पसंद नहीं आई, साड़ी से प्यार हो गया है मुझे उस वाले साड़ी से। लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, हम लोग थोड़ा रात भर सोचेंगे एंड देन डिसाइड करेंगे कि वो वाला साड़ी ये लेना है कि नहीं, या दूसरा साड़ी कोई चूज कर रहे हैं। फिर मोनिश के एक सीनियर दीदी से हम लोग मिले रास्ते पे, और हम लोग थोड़ा साथ में बैठ के थोड़ा स्नैक्स वगैरह किए, और फिर ढेर सारा शॉपिंग करके टायर्ड होके मैं तो बैठी थी। पर हमारा मोनिश बाबू को खाना था पानी पूरी, वो तो एकदम आराम से बैठ के पानी पूरी खा रहा था। बहुत ज़्यादा थके हुए हैं हम लोग, देखो पूरा हालत है ना। तो हम लोग पैसा थोड़ा सा सेविंग के लिए मेट्रो ले लिए, चेंज करना पड़ेगा बीच में, बट चलेगा, थोड़ा सा सेविंग्स हो जाएगी। और क्योंकि ऑटो वाले बहुत महंगा बोल रहे हैं यार, मन अब रखने का जगह नहीं है, सोच सकते हो हालत क्या है। फाइनली हम लोग यहाँ पे खाना ऑर्डर दिए हैं, इसका खाना अभी आ रहा है, और हम लोग थके हुए हैं। सर हमारा टेंशन हूँ रिसेप्शन वाली साड़ी को लेकर, क्योंकि जो चूज किया है वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव है, एंड देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग इज हैपनिंग, तो पता नहीं कैसा होगा। तो मैं यहाँ पे ना अपना हिस्सा मांग रही हूँ, मैं अपना हिस्सा मांग, हमेशा ऐसा होता है, मैं मोली से अपना हिस्सा मांगती हूँ। अब मैं इसको अपने जो ग्रेवी था उससे इसको मिला के खाऊंगी। व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं, आप लोग लाइक कमेंट नहीं कर रहे हो, अगर पसंद आ रहा है व्लॉग तो लाइक करो और कमेंट में एक हार्ट स्पैम कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे।